भाई साहब, परागी संजू को सीधे सीधे चीट कर रही है, इसमें बातचीत करने की कोई गुंजाइश है कहां? रिश्ते में ना प्यार बचा है ना विश्वास बचा है, तो बस एक ही रास्ता, वो है तलाक। तलाक। कम से कम हमारा संजू उस परागी से आजाद तो हो जाएगा। सॉरी पापा, आप सबके बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मौका तो अभी भी है, जो हमने भाभी को दिया नहीं। एक बार उनके मुंह से तो सुन लेते कि सच क्या है। संजू प्लीज, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। तू आशी बेटा, तुम्हारे भाई ने बहुत कुछ झेला है और अभी भी झेल रहा है, आखिर इसकी तकलीफें भी तो खत्म होनी चाहिए ना। देखो संजू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम और परागी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और ये जो भी कोई गलतफहमी हुई है, जीत इस बार तुम्हारे प्यार की ही होगी। नहीं भाई साहब, ये गलतफहमी नहीं है, ये सच्चाई है, और ये कितनी बड़ी सच्चाई है ये खुद आप अपने आंखों से देख लीजिए। और कोई भी न्यूज़पेपर किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ झूठी खबर छापने का रिस्क नहीं ले सकता। यह खबर सही है इसीलिए छपी है। संजू, अब तेरा डिसीजन है। तू बता कि तुझे डिवोर्स कब चाहिए। तेरा चाचू उसी दिन तेरे लिए बेस्ट डिवोर्स लॉयर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा। एसडीएम मैडम, क्या आप इस खबर को कंफर्म करती हैं? आपको कब एहसास हुआ कि आप आर्यन भत्रा से प्यार करती हैं? अब जब आपके इश्क के चर्चे इतने जोरों पर हैं, तो आपके अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली हैं? जैन सर। जैन मिस परागी, प्लीज लिसन टू मी। जब तक मीडिया शांत नहीं हो जाता है, आप वापस चले जाइए। प्लीज स्टे एट होम। मैडम जी, मैं भी गाड़ी तंग कर लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। समाज जानना चाहता है क्या हो रहा है, क्या चलेगा आगे। आप एक शादीशुदा औरत हो के ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपके कंधे पे समाज की जिम्मेदारी। आप ही ऐसा करेंगी तो सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थैंक यू फॉर योर एडवाइस। आप लोगों ने मुझे मेरी जिम्मेदारी तो बता दी, पर आप लोग जानते हैं ना कि मीडिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सच को सामने लाना, और वो भी पूरे सच को। न जाने कहां से आपके हाथ ये फोटो लग गई और आपने हाथों हाथ छाप दी। आपने फोटो भेजने वाली सोर्स को वेरीफाई किया? इसके पीछे उसका मकसद क्या था उसके बारे में पता किया? इस बात की जांच पड़ताल की कि इसमें जैसा दिख रहा है वो सच है भी या नहीं? आधी अधूरी बिना वेरीफाई की हुई न्यूज कितनी डेंजरस हो सकती है, इस बात का एहसास है आप लोगों को?
आपकी इन कोरी अफवाहों से ना सिर्फ आप मेरी इमेज बिगाड़ रहे हैं बल्कि मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। इतनी बाहर कॉल कर चुकी हूँ, संजू फोन ही नहीं उठा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। लगता है उसे हमारी बात का बुरा मान लिया। बेबी, हमें उससे इतनी जल्दी ना डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी आप बैठिए, बैठिए आराम से, ये लीजिए पानी पीजिए। भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए। वैसे भी संजय का सारा दिमाग तो उस परागी ने खराब करके रखा हुआ है। ऐसे में आपको ही तो संजू के बारे में सोचना है। हर बात का एक वक्त होता है और आपने बिल्कुल सही वक्त पे संजू से डिवोर्स की बात की है। बस आप संजू को मना लो। प्रमोद की नजर में बहुत अच्छा रिश्ता है संजू के लिए। रिश्ता? बेबी ये तुम क्या कह रही हो? मतलब ये सब तो मेरे लिए भी बहुत जल्दी है। एक बार संजू का डिवोर्स हो जाए ये सब तो उसके बाद की बात है, तब सोचेंगे। देखिए भाभी, अगर आप चाहती हैं कि परागी जैसी भूल दोबारा ना हो तो हमें अभी से संजू की भलाई के बारे में सोचना होगा। मिस परागी, I know this is very personal, but फिर भी पूछ रहा हूँ, आपके और आपकी फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक है ना? I hope everything is fine. देखिए अगर आप जवाब नहीं देना चाहती हैं, then also it is okay. I understand. वैसे आपको एक अपडेट भी देना था। डिपार्टमेंट ने हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। What? Yeah. Actually, पूरे ऑफिस पर नजर रखी जा रही है। But sir, डिपार्टमेंट को हमारी नहीं उस प्यून की जांच करनी चाहिए। Yeah. I know. But he is absconding. भाग गया कहीं वो। और आपका ड्राइवर? He is not well. उसकी ट्रीटमेंट चल रही है अभी। थोड़ा टाइम लगेगा उसे ठीक होने में। Don't understand, sir. ये किसी का जमीर इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि वो किसी के भी खिलाफ इतनी नीची हरकत प्लान करे? कोई एक हो तो बताओ मिस परागी। एक्चुअली हर कोई बिजनेस फैमिली जो इलीगल बिजनेस कर रही है, हर कोई हमारा दुश्मन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली योर फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ देम। देखिए भाभी, अगर हम संजू को ज्यादा टाइम देंगे तो ये मैटर भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। हमें कैसे भी करके संजू को डिवोर्स के लिए राजी करके उसे दूसरी शादी के लिए मनाना होगा। आई नो कि ये उसके लिए इजी नहीं होगा और ना ही वो इजली मानेगा, पर हमें ही तो संजू के फ्यूचर के बारे में सोचना है। सर, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसलिए कह रही हूँ, भले उनके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है लेकिन वैसे गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ अपनी फैमिली को। नो नो मिस परागी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं किसी को डायरेक्टली अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे ही सब कुछ रूल आउट भी तो नहीं किया जा सकता। एनीवेज, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, आई सजेस्ट आप छुट्टी ले सकते हैं। Excuse me, sir.
मैम आपके हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। संजू, बात तो तुम सही कह रही हो बेबी, आज नहीं तो कल मुझे भी संजू की दूसरी शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो फिर आज क्यों नहीं? लेकिन वो परागी, वो इतनी आसानी से संजू को डिवोर्स नहीं देगी। ये न्यूज़पेपर याद है? हम दोनों की मुलाकात भी एक ऐसी न्यूज़पेपर की वजह से हुई थी। हम दोनों के बीच में प्यार, एटलीस्ट मेरी तरफ से तो था ही। शादी के बाद जब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं था, तब भी हमारी मुलाकात की वजह ये न्यूज़पेपर ही बना। हम दोनों के बीच में हर टाइम सहारा बनकर आता रहा ये न्यूज़पेपर। हमारी लव स्टोरी आसान नहीं थी परागी, दो अजनबियों के मिलने से लेकर उन दोनों के बीच में प्यार और फिर उनके हमसफर बनने के रास्ते आसान नहीं थे और टेढ़े मेढ़े रहे हैं। आज देखो फिर से हम दोनों के बीच में ये न्यूज़पेपर आ गया, लेकिन इस बार हमें मिलवाने नहीं आए, हम दोनों के रास्ते अलग करने आए। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुमसे एक बात कहने आया, मैं थक गया हूं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, इस रिश्ते को 100% नहीं दे सकता। मैं तुमसे बस इतना कहने आया हूं कि हम जिस भी मोड़ पर आज खड़े हुए हैं, उस मोड़ से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग होते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। संजू, ये एक न्यूज है, फेक न्यूज, वो भी जस्ट थिंक अबाउट इट, ये इस न्यूज के बेस पे, फालतू न्यूज के बेस पे तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? ये फालतू न्यूज के बेस पे? हाँ संजू, एक काम करते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं, मेरे मेरे कैबिन में चलो बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। मैं जो अपनी तरफ से बात कहने आया था वो मैंने कह दी, जो खत्म करना था वो कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना। संजय, तुम्हें पता है ना, ये मीडिया पेपर, ये किसी के कुछ भी सोचने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि मेरा सब कुछ सिर्फ तुमसे है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरा संजू कभी मेरे प्यार पे, मेरे कैरेक्टर पे शक नहीं करेगा। इस रिश्ते को मैंने सब कुछ दे दिया परागी, सब कुछ, इतना कि अब मेरे पास खुद को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये रिश्ता खत्म करना आसान है मेरे लिए? नहीं है। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। ये बात और ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो। शादी से पहले प्रॉब्लम्स थी, शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुई, प्यार कहाँ है, सिर्फ प्रॉब्लम्स है। तो अगर ये रिश्ता प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को निकालते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं, और हो सकता है कि शायद यही इस रिश्ते की किस्मत हो। जो किस्मत में हमारा रिश्ता भी नहीं था, हम
हम किस्मत से लड़की सृष्टि को बनाया हमने, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम वो तोड़ कैसे सकते हो? प्लीज ट्रस्ट मी, हमें फंसाया गया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी रागी, प्लीज संजू। मिस्टर पाठक, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा नाम शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस न्यूज इज फेक, ऑल द एलिगेशंस आर बेसलेस। यह अफवाह किसी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उड़ाई है। उस दिन जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर पत्र। आज ये अफवाह है या सच, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आज मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं, वो नहीं बदलेगी। संजय, संजय, ये क्या कह रही हो? संजू डिवोर्स के लिए खुद मान गया? भाभी जी, संजू माना ही नहीं है, एक तरीके से उसने अपने तलाक की घोषणा की है। आज मीडिया में यही न्यूज छाया हुआ है कि संजू ने परागी के ऑफिस जाकर उसे तलाक मांगा है। भाभी आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे बेटे का घर टूट रहा है, ये देखकर मैं खुश कैसे हो सकती? परागी से उसे छुटकारा मिल जाएगा ये जानकर मैं खुश हो सकती हूँ, ये भी समझ सकती हूँ कि ये संजू के लिए अच्छा है, लेकिन इन सब से संजू का दिल टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, ये देखकर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? आई नो भाभी, दुख की बात है, पर इन सारे दुखों के उस पार वो सारी खुशियां हैं जो संजू डिजर्व करता है। आज संजू ने खुद ही डिवोर्स की बात की है, तो इसका मतलब है वो बहुत जल्दी इन दुखों से उभर जाएगा। तो आप दिया जला करके साईनाथ जी को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही संजू से ये सब करवाया है, नहीं तो परागी तो संजू की लाइफ ही बर्बाद कर देती। तुम ठीक कह रहे हो बेबी, मैं साईनाथ महाराज के आगे दिया जला कर आती हूँ। संजू अपने मुंह से डिवोर्स की बात बोल भी कैसे सकता है? उसे प्यार करने का हक है, नाराज होने का हक है, लड़ने का हक है, लेकिन मेरे और बत्रा सर के बारे में ऐसी घटिया चीज़ वो सोच भी कैसे सकता है? मिस परागी, प्लीज कम इन सर। सर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सभी फाइलें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, मैं बस फाइनल रिपोर्ट रेडी करने जा रही थी। एंड वन मोर थिंग सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन में माइंड बिजी हो वही सही होगा। वेल मिस परागी, किसी ने सही कहा है, कोई प्रॉब्लम कभी अकेले नहीं आती। देयर इज वन मोर बैड न्यूज, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले केस पर काम नहीं कर सकते। What? Yeah. आप छुट्टी नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी, ऑर्डर्स हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम केस पर काम नहीं कर सकते। But sir, this is not fair. इस केस पे हमने कितनी मेहनत की है, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और जितने भी करप्ट बिजनेसमैन हैं, सबको इजीली भागने का मौका मिल जाएगा सर। आई नो, बट आई कांट हेल्प इट, एंड आई डाउट, मुझे लगता है कि हमारे साथ ये जो फेक न्यूज स्कैंडल किया गया है, इसमें भी कोई अक्यूज पार्टी शामिल हो सकती है। जो है सो है। मिस परागी, आप घर पे रहिए,
ड्यूटी कब से रिज्यूम करनी है आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी रिसेंटली आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। आई थिंक यू नीड सम टाइम एंड रेस्ट टू रिजॉल्व इट। जय हिंद। जय हिंद सर। साइनाथ जी, कल घर चला गया, आज मेरा रिश्ता मुझसे दूर हो गया, मेरी जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक झटके में सब कुछ छिनता चला जा रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे?